वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवशेष में। नाउ वेट शेविंग की अगर हम बात करें तो आई थिंक दैट लादरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर शेविंग रूटीन। उसका एक रीजन है, अगर आपने एक अच्छा वॉल्यूमिनस थिक लादर बनाया है तो इट रियली हेल्प्स इन रिमूविंग योर स्टबल, और एक बेहतरीन जो रेजर ग्लाइड है वो आपको मिलती है जो आपको एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देता है आपकी शेविंग में। तो मेरे अब तक के अनुभव और क्या क्या मैंने सीखा, और कभी कभी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता हूं लादरिंग में, आज मैं कुछ चीजें वो शेयर करता हूं। और मैंने पहले भी बताया है कि 60-70% केसेस में मैं ट्रेडिशनल वे में बोल लादरिंग प्रेफर करता हूं। तो आज एक तरह से आप देख सकते हो कि बोल लादरिंग पे ही हमारा फोकस है, हाउ टू क्रिएट लादर इनसाइड अ बोल। एट द सेम टाइम क्या क्या मैं उसमें अपने एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं बाद में शेविंग करूंगा, मगर आज हम देखते हैं पहले कि एक अच्छा लादर शेविंग बोर्ड में कैसे क्रिएट किया जाए। अब देखिए, इसमें कई सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आपका सबसे पहले शेविंग ब्रश किस तरह का है। अब नॉर्मली बेजर ब्रश हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और वो काफी महंगा भी होता है, तो सब लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। फिर ज्यादातर हम लोग क्या है, इस तरह के सिंथेटिक ब्रशेस यूज करते हैं। ओके, तो ये जो ब्रिसल्स हैं ये सिंथेटिक हैं और फील काफी हद तक बेजर की देते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो बेसिक एंट्री लेवल के नायलॉन ब्रशेस या बोर ब्रशेस, ओके, ये सब चीजें, या हॉर्स ब्रश जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। तो मैं क्या करता हूं ये मैं आपको बताता हूं कि नहाने से पहले, व्हेनेवर आई गो टू बाथ, उससे पहले मैं थोड़े से हॉट वाटर में अपने ब्रश को ऐसे डुबो देता हूं। तो दैट मींस नहाने का टाइम 10-15 मिनट मैक्स, और उतने टाइम में इसके ब्रिजल्स काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। मगर ये मैं ध्यान रखता हूं कि ये जो यहां पे क्या होता है, ये आपका जो यहां पे इस ब्रश के नॉट्स होते हैं, तो ये मैं इसको कंप्लीटली पूरी तरह से इमर्स नहीं करता हूं, इतना मैं छोड़ देता हूं। और ये भी ध्यान रखे कि पानी बहुत गर्म ना हो, नहीं तो फिर ये जो आपके ब्रिसल्स हैं ये डिफॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से वो 10-15 मिनट तक ये डूबा रहता है। तो प्रेफर मेरा ये रहता है कि कोल्ड वाटर में भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बट मैं प्रेफर करता हूं कि हल्का सा जो है हॉट वाटर, और उसमें इस तरह से अपने ब्रश को डुबो देता हूं, और तब तक मैं स्नान कर लेता हूं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग माई शावर, आई कम बैक एंड स्टार्ट माई शेविंग। तो लेट्स सी हाउ आई डू लादरिंग। और आपने बहुत बार देखा भी, रोज ही मैं करता हूं, मगर आज हमारा फोकस क्योंकि लादरिंग है ट्रेडिशनल वे में, तो आज मैं उसका फोकस आपको बता रहा हूं। अब शेविंग सोप, ये ग्लिसरीन बेस्ड सोप है, आपको दिख ही रहा है, टेकोनिक का यूकलिप्टस है मिंट। पहले भी मैंने अपने शेविंग वीडियो में आपको ये दिखाया है और अपने एक्सपीरियंसेस इसके बारे में शेयर भी किए हैं। तो इस तरह से थोड़े से पानी के ड्रॉपलेट्स में इसमें डाल देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एंड आफ्टर दैट एक्सेस वाटर जो है वो मैं रिमूव करता हूं। ओके, तो आपका जो शेविंग सोप है या आपने जो भी शेविंग क्रीम ली है, इस पे भी काफी डिपेंड करेगा कि आपका कैसा लादर बनेगा। उसी के साथ आपके घर में जो पानी आता है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड वाटर में लादर थोड़ा सा टाइम लगाता है। अच्छा, एक और चीज, ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में लादर बनता है मगर थोड़ा सा वो टाइम लगता है उसमें। तो मैंने वही कहा ना कि मैं अक्सर गर्म पानी ही प्रेफर करता हूं। तो ये कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जिसपे भी एक अच्छी बोल लैदरिंग या फेस लैदरिंग डिपेंड करती है। तो मैंने इसका पानी एक्स्ट्रा निकाला और इसमें थोड़ी सी मैंने पानी की बूंदे डाल रखी है। सो नाउ यू कैन सी, सो इस तरह से मैं 15-20 सेकंड अपने ब्रश को सर्कुलेटरी मोशन में घुमा रहा हूं, ऐसा मैं घुमा रहा हूं, फिर उल्टा भी घुमा रहा हूं। बहुत ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपने और शेविंग चैनल्स में देखा होगा वो लादर नीचे गिरता है, तो मैं
ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं थोड़े, तो मैं वेस्ट करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। तो ये 10-15 सेकंड और ये मैंने अपना सोप लिफ्ट कर लिया, और जो एक्स्ट्रा है जो साइड में आप देख रहे हो ये ड्रिप हो रहा है, इसको अपने शेविंग बोर्ड में ऐसे डाल दिया। अब थोड़े से गर्म पानी की बूंदे में ऐसे शेविंग बोर्ड में डाल के रखता हूं, सो आप देख सकते हो क्लियर, और वो एक्स्ट्रा सोप ड्राई योर हैंड्स, सो यू कैन सी दिस इज माय शेविंग बोल और ये शेविंग सोप इस ब्रश के ऊपर। अब नाउ यू कैन सी हाउ द लादर इज बीइंग क्रिएटेड। अब देखिए आराम आराम से आप इसको घुमाइए। अब मैं क्या करता हूं, लादरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो सर्कुलेटरी मोशन में, तो उसमें क्या है, हवा जो एयर होती है वो आपके ब्रसल्स के बीच में जाने चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू देन, थोड़ी थोड़ी देर में इसको ऐसे करिए, देखिए मैं इसको हल्के, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के से धीरे से इसको ब्रश को प्रेस करिए और फिर आप इसको ऐसे घुमाइए, तो आपको देखोगे थोड़ी देर में आफ्टर विद इन 20-25 सेकेंड्स मैक्सिमम 30 सेकेंड्स एक अच्छा लादर क्रिएट होने लगेगा। इंपॉर्टेंस मैं अभी भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा गर्म पानी रखिए, इसीलिए कई बार हम इस लादर को वार्म लादर भी बोलते हैं, और ये एक सिरेमिक का बोल है, ये इसकी वार्मनेस इसकी हॉटनेस को मेंटेन करता है और बड़ा मजा आता है। सो नाउ यू कैन सी मैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से अपने ब्रश को घुमा रहा हूं। तो ये तो था धीरे धीरे, अब आप देख सकते हैं एक अच्छा लादर क्रिएट हो गया है। मगर एक हम कब रुकें, जब हमें लगे कि अब परफेक्ट लादर तैयार हो चुका है, तो वो भी मैं बताता हूं। अभी आप थोड़ा दर और चलाइए 60 सेकंड्स मैक्स, यूकलिप्टस मिंट की बहुत ही अच्छी परफ्यूम और फ्रेग्रेंस आ रही है, थोड़ा सा कूलनेस का अनुभव होता है। सो यू कैन सी, सो आप देख सकते हो मेरा बोल ऑलमोस्ट लादर से भर गया है, और जब मैं इसको ऐसे टैप करता हूं साइड ब्रिम में, तो ये ऐसी पीक्स बनाने लगता है। तो जैसे ये पीक्स बनेगी और ऐसी पीक्स, वो चोटी जो है पर्वत की ऐसी खड़ी रहेगी, दैट मींस योर लादर इज रेडी। तो ये इतना ज्यादा क्रिएट हो चुका है कि मैं 3 पास शेव आराम से कर सकता हूं। सो दैट्स इनफ। ओके, अब कई बार लोग क्यों होते हैं, वो इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली ब्रश से, और कुछ लोग इसको अपनी फिंगर से उंगलियों से लगा के भी नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा झंझटबाजी नहीं है, बीच में बस ऐसे आप टैप करिए अपने ब्रश को, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हल्के ऐसे, तो उसमें हवा भरेगी, और जैसे ही हवा भरेगी और फिर आप उसको ऐसे घुमाइए। अब देखिए तो लादर बहुत तेजी से लिफ्ट होने लगता है, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे, and you can see that in a very short span of time you are going to get voluminous and slick lather। okay, ab ye to tha, ab ye dekhiye ye maine kaun si shaving cream aaj use kari, it's a Taconic। okay, to it's a glycerin based soap। ab main kya karta hu, apni monotony jisko kehte hai na ki एक सी चीज बार बार करते करते कभी आप बोर हो जाते हो, तो मैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट करता हूं, और ये एक्सपेरिमेंट मेरे को बहुत पहले 20-25 साल पहले इलाहाबाद में एक बार्बर थे हमारे, उन्होंने बताया था। वो क्या करते थे, दो क्रीम्स को मिक्स करके, अलग अलग क्रीम्स, दोनों की परफ्यूम या अरोमा बिल्कुल अलग, या कई बार आपने देखा होगा कि बार्बर शॉप में आ जाते हो तो वो एक मेंथल भी डाल देते हैं, हल्का सा एक मेंथल का आता है इतना सा,
छोटी सी बॉटल आती है उसको उसकी बूंदे या उसको लगाया तो उसे ठंडा एहसास आता है। तो वो मेरे को कहते थे कि भाई कभी ट्राई करना है तो दो अलग शेविंग क्रीम को भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं ये सोचता था कि सोप नॉर्मली बड़े महंगे होते हैं तो मैं उसकी जो प्रॉपर्टीज को क्यों किल करूं, और शेविंग क्रीम्स ज़्यादातर सस्ती आ जाती हैं तो उन दोनों को मिक्स करूं। तो मैं बड़ा, और मेरा थोड़ा माइंडसेट भी बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, तो दैट मींस मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के खिलाफ था, जो जैसा है वैसे यूज़ करूँ। मगर फिर बाद में मैंने थोड़ा, मैंने कहा ट्राई तो करें, तो इस तरह से ट्राई किया तो मेरे को बड़ा मजा आया और नए नए अरोमा पता लगे। मगर ये देखना चाहिए कि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दो अलग अलग आप शेविंग क्रीम या शेविंग सोप या एक क्रीम या एक सोप उसको यूज कर रहे हो तो उनके जो भी अरोमाज हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक नया एहसास दें और वो एक दूसरे को किल ना करें। ओके, तो ये तो अभी आपने देखा टेक्निक का, एक प्रीमियम सोप और उसका लादर। अब मैं कभी कभी क्या करता हूं, शेविंग में कुछ नयापन डालने के लिए, अब जैसे ये एक शेविंग क्रीम है लिलियम की या फिर गोदरेज सिंथॉल की, सिंथॉल गोदरेज, और ये लाइम, और ये भी चलो लेमन है। तो मैं क्या कभी कभी क्या करता हूँ, चलो इनमें से कोई सी ले ली, सपोज करो मैंने ये ले ली, और मैं ये भी देखता हूँ कि इट हैज सिट्रसी स्मेल और उसमें मिल्क की स्मेल है। तो मैं क्या करता हूँ कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम। अब आप में से जो ट्रू ऑर्थोडॉक्स होंगे, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले होंगे, उनको लगेगा ये क्या कर रहा है, इतनी एक तो इतना बढ़िया और उसको इससे खत्म कर रहे हो। नहीं जी, इससे कभी कभी आपके शेविंग में और ज्यादा मजा आ जाता है। लेट्स सी हाउ। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी ये क्रीम मैंने और ले ली, तो थोड़ी सी क्रीम ली मैंने, फिर वापस उसी बोल में, और फिर वही विपिंग अप द लादर। मगर हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, जब आपका टाइम ज्यादा हो कभी तो आप करोगे तो उसके परिणाम बड़े ही जबरदस्त मिलते हैं। नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है। तो ये जो लादर बना, थोड़ा सा इसमें वॉर्म वाटर डालूंगा, अब आप सोच रहे हो कि सर जब आपको क्रीम ही डालनी थी तो वो क्रीम ही यूज कर देते या सोप ही करना, सोप ये दोनों का ब्लेंड क्यों कर दिया, दोनों का संगम क्यों किया। भैया वो इसलिए किया क्योंकि इससे कभी कभी परफॉर्मेंस जो होता है आपका शेविंग का वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, प्लस अरोमा बिल्कुल ही अलग हो गया। अभी अब ना पूरी तरह से सिट्रसी है, ना पूरी तरह से मिंट है, और यूकलिप्टस का भी थोड़ा सा वो डाउन हो गया, मगर एक अलग तरह का एहसास हो रहा है। मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल नई तरह की कोई क्रीम मैं यूज कर रहा हूँ या शेविंग सोप यूज कर रहा हूँ, और इसने मेरे लादर को और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी बहुत है इसमें, सो यू कैन सी दैट क्लियर। And it is so slick. मेरे को अभी, मैं उंगलियों से ऐसे कर रहा हूं तो both of my hands are gliding. So कभी कभी, not all the time, कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उस समय mindset मत रखना कि ये तो soap मेरा इतना महंगा और ये इतनी सस्ती क्रीम है, ये दोनों जो है। तो कभी कभी आप ऐसा, जब free time हो आपके घर में आपके पास, तो आप ऐसा करिए तो एक अलग तरीके का आपको शेविंग में मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ बेसिक टिप्स, बाकी तो सब आपको पता ही है, हर बार हम इसी तरह से लादर क्रिएट करते हैं। मगर आज मेरा मूड था कि शेविंग डेमो ना देके कुछ इन चीजों के ऊपर भी डिस्कस किया जाए और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। कोई भी चीज जो होती है वो हम इवॉल्व कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, वो भी आप करिए। आपके पास कई तरह के इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों को ब्लेंड कर दीजिए आप, तो देखिए आपको एक अलग तरह का एहसास होगा। आपको लगेगा आज मैंने कोई नया प्रोडक्ट खरीदा, बिना नए प्रोडक्ट को खरीदे हुए उसकी स्मेल जो है वो आपको बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाएगी। तो कई बार मैंने देखा है कई लोग जो हैं वो कॉकटेल बना देते हैं परफ्यूम का भी, एक तरफ एक्वा एक्वा और उसी के साथ सिट्रस, अरे यार ये बड़ा मजा आ रहा है। तो ऐसा आप इसमें भी कर सकते हो।
तो कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी ऐसा देखा है मैंने कि उसकी जो लादर की जो क्वालिटी है, उसकी स्लिकनेस है, उसकी वॉल्यूमिनस है, वो वॉल्यूमिनस हो जाता है, उसका जो रेजर ग्लाइड का एक अलग लेवल पे मजा आता है और परफ्यूम आपको एक नए तरह की मिलती है। तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ रोज रोज नया तो हमारे पास भी नहीं है कि हम कुछ नई चीजें लेके आए, तो बस यही सब चीजें हैं जो मैं अपने शेविंग टाइम में करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट, और आप भी करिए इस तरह से। और जब कोई नई चीज पता लगे तो यूरेका 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 करके भागिए। ध्यान रखिएगा आपका जो टॉवल है वो ना नीचे गिर जाए, जैसे किसका गिरा था, कैन यू टेल मी हु इज द साइंटिस्ट, आर्किमिडीज, जब वो अपने बाथटब से भागे थे उनको कुछ आइडिया लगा था। ओके, लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, पता नहीं मैंने कब पढ़ी थी, ध्यान नहीं भी तो मेरे को याद आया। तो आपको भी ऐसा लगे तो यूरेका 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 आप कर सकते हो, और फिर हमको शेयर करिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये सेशन आप कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो एंजॉय योरसेल्फ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, होपफुली संडे को। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।